25-24 करोड़ आवाम है उसके वोट के हक पर किसी तरह का आप डाटा नहीं लगा सकते, नहीं मार सकते। मैं आपको ये बताते चलूँ, गुज़िश्ता रोज अहमद उमर खान साहब से एक तफसीली गुफ्तगु हुई, उन्होंने भी जवाब लगाते हुए कहा कि पीटीआई ने मुजवानों को दावी चेयरमैन के मुजवानों को शहीद किया, वो बिके नहीं, वो इस मुल्क में हुए हैं, 5 महीने से ज्यादा हुए ज्यादा जेल में मौजूद है, पहले वो 2.5 महीने जो है जेल में रहे और उन्होंने अब किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई डील नहीं की, कोई यहाँ से मजबूर नहीं हुए, कोई 50 स्टाम्प पेपर पर यहाँ से बाद में जो वो तो अदालत में फैसला करेंगे, जो उनपे केसेस हैं दहशतगर्दी के दफात हैं या बाकी केसेस हैं वो अदालत में अदालत फैसला करेगी। लेकिन तैयब साहब वक्त कम है, आखिरी सवाल करूंगा आपसे। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हुई, उनसे उन्होंने गाड़ी से शीशा खोल के बल्कि दरवाजा खोल के गुफ्तगू हुई साफियों से, आप वहां पर मौजूद थे, क्या फरमाया शेख साहब ने और क्या उनका मुस्तकबिल देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से तो है नहीं, कलम दबाव से लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ उनके इस वक्त मुखालफत कर रही है और खुल के मुखालफत कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो दोस्ती निभाऊंगा और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का जो वर्कर होगा वो कलम दबात को वोट देगा, क्या उन्होंने फरमाया? बहुत शुक्रिया कि आपने इस क्वेश्चन किया। बिल्कुल शेख रशीद साहब को कल ही जो है वो डियाला जेल में इंस्पेक्टर किया गया, शेख साहब ने क्योंकि वो पुलिस काफी ज्यादा उनके साथ थी, काफी प्रोटोकॉल उनके साथ उसकी टीम थी, तो साथी ने हमने सवाल करने की कोशिश की तो शेख साहब ने देखा कि ये देख रहे हैं जुल्म हो रहा है, जिबर हो रहा है, मैं असली हूँ नस्ली हूँ और मैं जो है इंशाल्लाह मुझे पीटीआई के लोग भी जो है वो अगर वो असली और नस्ली हुए तो NA 56 और NA 57 में जो है वो कलम दबा कर अमीर ले जाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प मैंने बात की, जब इंसिडेंट तो वहां से भी अपने खुशी मैसेज में कहा कि पीटीआई के कारकुनान से भी मुतालबा करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को कलम दबाव पर NA 56 और 57 पे जो है वो मोल लगाए, बड़े अच्छे से हमें कामयाब नहीं, क्योंकि हमने कोई किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई लाजेबा और गुफ्तगू नहीं की, लिहाजा कलम दबाव पर मोल लगाकर ये साबित करें कि पिंडी जो है वो एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ा है और पिंडी जो है वो हमेशा वफा निभाता है। और मुझे लगता है कि शेख रशीद साहब जो है ये NA 56 बासानी नहीं, तो कांटेदार मुकाबले के बाद भी जीत ही जाए, क्योंकि शेख रशीद ने सबके लिए बहुत काम करवाए हैं और उसमें कोई शक नहीं कि शेख रशीद को ये सीट निकालने में कोई। अच्छा सर है, मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा, आखिरी सवाल रख रहा हूँ। दो जज साहबान, सीनियर जज साहबान के इस्तीफे आए गुज़िश्ता हफ्ते, तो अब खबरें ये आ रही है ज़राए से कि मजीद शायद इस्तीफे आ जाए, इस हवाले से कोई खबर हो आपके पास? जी बिल्कुल, इस सवाल से जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि मजीद जो जज साहबान की भी जो है वो इस्तीफे आ सकते हैं, उसमें जो है वो आयशा मलिक साहबा का नाम चल रहा है, इसके अलावा मंसूर अली जस्टिस मंसूर का शुक्रिया। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम और जिस तरह ग्राउंड रियलिटीज जो है उस पर हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जिस तरह ये इस्लामाबाद से सीनियर साफी इस्लामाबाद की सियासत पे इनकी गहरी नजर होती है, ये बता रहे थे कि वहां पे कलम दबात का जो हल्का है शेख रशीद साहब का वहां पे उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुल के उनकी मुखालफत कर रही है और वो कह रहे हैं जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असली नस्ली वर्कर होगा वो कलम दबात को वोट देगा। और बताया जा रहा है कि पिंडी में तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखी जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है, मुस्लिम लीग नून भी मैदान में है और बड़े खुल के खेल रहे हैं और अच्छा